ऑटोमेशन के बारे में, बट ऑटोमेशन को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझें कि ऑटोमेशन को होने में सपोर्ट कौन करता है। इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा स्विच के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस के बारे में। जहाँ तक स्विच की बात है तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस के बारे में मतलब जानते भी हैं, और कुछ ऐसे भी स्विच है जो स्विच है बट उसके बारे में हमको आइडिया नहीं है कि वो स्विच है क्या। तो ये सब सारी बातें आज होगा और हम लोग इसके थ्रू ये समझेंगे कि ऑटोमेशन में स्विचेस का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्विच के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देखिए मतलब यहाँ पे अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ये रिले के बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हाँ हम लोग रिले के बारे में स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि रिले क्या है, एक स्विचिंग डिवाइस है ऐसा सुने हैं, है ना, बट एक किस तरीके का स्विचिंग डिवाइस है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बट इससे पहले थोड़ा सा हम एक आपको ग्लिम्स देना चाहते हैं ये स्विचेस जो हम लोग डे टू डे लाइफ में और डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस देखते हैं, इस सब के बारे में थोड़ा सा पहले बता दें। जैसे कि हम लोग घर पे देखते हैं, है ना, जो जिसके थ्रू हम लोग लाइट फैन को ऑन ऑफ करते हैं, तो वो भी एक स्विच है, राइट। और उसमें भी वही मैकेनिज्म होता है जो मैकेनिज्म यहाँ पे रिले में होता है। बट डिफरेंस क्या है कि वो आपका एक मैकेनिकल डिवाइस है और ये आपका एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। अब इसी सब सारा डिफरेंसेस को समझेंगे, मतलब ये जो टर्मिनोलॉजी है कि वो मैकेनिकल डिवाइस है और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और इसी के बेस पे जो डिफरेंसेस है इसको समझेंगे। ठीक है, तो ऑटोमेशन में इस रिले का क्या इम्पोर्टेंस है और किस लिए रिले को ऑटोमेशन में यूज़ करते हैं, इस बात को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि जितने भी डिवाइसेस हैं जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, फ़ैन को ऑन करने के लिए, है ना, इवन लाइट्स को ऑन करने के लिए और किसी भी चीज़ जो मतलब जो कनेक्टेड है उससे, मतलब स्विचेस से उस चीज़ को ऑन करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग का एक क्या मतलब ज़रूरी होता है, वहाँ पे एक ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब का जरूरी मतलब ज़रूरत होता है, वहाँ पे एक सपोर्ट चाहिए ह्यूमन का। मतलब अगर आप वहाँ पे हैं, उसको प्रेस करते हैं तो कोई भी चीज़ ऑन होता है, उसको प्रेस करते हैं तो कोई भी चीज़ ऑफ होता है। इट कुड बी अदर वे अराउंड, ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है कि अगर आप उसको ना प्रेस करें तो वो ऑन है और अगर आप प्रेस करें तो ऑफ है। जैसे कि आप सिंपल से एक एग्जांपल समझ सकते हैं, स्टॉप बटन और स्टार्ट बटन। देखिए, स्टॉप बटन को प्रेस करने से कोई चीज़ ऑफ होता है और स्टार्ट बटन को प्रेस करने से कोई चीज़ ऑन होता है। तो ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ डिवाइसेस के ऊपर, एंड मतलब टाइप्स ऑफ नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइसेस के ऊपर। और इसमें अभी हम लोग लिस्ट इंटरेस्टेड हैं बात करने के लिए। अभी हम लोग का मेन फोकस है कि स्विच क्या है, कितने तरीके का होता है और इसका मतलब क्या यूज है ऑटोमेशन में। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें स्विच क्या है, स्विच एक आपका ऐसा डिवाइस है जो किसी भी सिग्नल को अलाउ करता है सिग्नल को पास होने के लिए या वो सिग्नल को पास नहीं होने के लिए। ठीक है, अब स्विच जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मेनली टू टाइप्स ऑफ स्विचेस आर देयर। एक को हम लोग बोलते हैं एनो और एक को बोलते हैं एनसी, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली ओपन कहने का मतलब कि एनो नॉट कनेक्टेड और एनसी कहने का मतलब कि क्लोज्ड कनेक्टेड वो होता है। ठीक है, तो जो कनेक्टेड होता है उसके थ्रू पावर सप्लाई पास होता है, जिसमें कनेक्टेड नहीं होता है उसके थ्रू पावर सप्लाई पास नहीं होता है। लेकिन जो कनेक्टेड नहीं है उसके थ्रू पावर सप्लाई को पास करना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एनसी बनाना पड़ेगा। ये दो डिफरेंसेस को हम लोग इसके थ्रू समझेंगे रिले के थ्रू। ठीक है, तो जो रिले है, जो नॉर्मल स्विचेस हैं जो डे टू डे लाइफ में हम लोग घर पे यूज करते हैं, वो सारा क्या है, मतलब मैनुअल स्विचेस हैं। और ये जो रिले है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस हैं। अब इस मैनुअल स्विचेस और इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस में क्या डिफरेंस है, पहले इस चीज को समझें। मैनुअल स्विच का जो कंट्रोल होता है वो एक ह्यूमन पे डिपेंडेंट होता है, बट ये जो आपका रिले है, रिले का जो कंट्रोल है वो
एक सिग्नल पे डिपेंडेंट होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट होता है, मेन डिफरेंस ये है। बट अगर आप ऐसे बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों का जो ऑपरेशन है वो आपका एक ह्यूमन पे ही डिपेंडेंट है। सप्लाई भी कौन देगा, ह्यूमन ही देगा ना उसको, मतलब देगा राइट। बट क्या है, एक होता है कि डायरेक्ट इंटरफेस है और एक होता है कि इनडायरेक्ट इंटरफेस है। जो जो मैनुअल स्विचेस में ह्यूमन का जो इंटरेक्शन है वो डायरेक्टली है, लेकिन जो आपका रिले है इस रिले में जो ह्यूमन का इंटरेक्शन है वो डायरेक्टली नहीं है, वो इनडायरेक्ट वे में है। आप उस रिले को सप्लाई से कनेक्ट कर दीजिए और उस रिले में पावर सप्लाई जाएगा, डिपेंड अपॉन द मतलब कॉइल का जो स्टेट है। अब इसी सारे चीज को, ये सारे भी जो डिस्कशन है इसको हम लोग डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं, पहले रिले के बारे में समझते हैं कि रिले क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो रिले के बारे में यहाँ पे लिखा है कि रिले इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कैन बी अरेंज्ड इन द सर्किट टू मेक लॉजिकल डिसीजंस। आउटपुट फ्रॉम दिस सर्किट कैन बी यूज्ड टू ड्राइव लोड सच एज मोटर, हीटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल। अब देखिए क्या बोल रहा है कि रिले आपका क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहने का मतलब इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू टर्न ऑन एंड मतलब टू टर्न ऑन, मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसको कि ऑन होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। ऐसे डिवाइसेस को हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोलते हैं। और किस लिए यूज़ करते हैं इसको, तो बोला कि इट इज़ यूज्ड, इट इज़ अरेंज्ड और यूज्ड इन द सर्किट टू मेक लॉजिकल डिसीजंस। लॉजिकल डिसीजन मीन्स 0 to 1, 1 to 0, मतलब 0 to 1 इज कॉल्ड ऑन और 1 to 0 इज कॉल्ड ऑफ। मीन्स द मोमेंट रिले इज कनेक्टेड इन द सर्किट राइट एंड इट टर्न्स ऑन व्हेन सप्लाई इज गिवन टू द रिले कॉइल इट मेक्स एन आउटपुट ऑन एंड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि आउटपुट फ्रॉम दिस सर्किट कैन बी यूज्ड टू ड्राइव लोड। बिल्कुल, जब ये आउटपुट को प्रोवाइड करता है तो इसके थ्रू कोई ना कोई जो डिवाइसेस कनेक्टेड है वो चलते हैं। और वो किस तरीके का डिवाइसेस, वो कोई मोटर हो सकता है, कोई हीटर हो सकता है, या और भी किसी तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल हो सकते हैं, जैसे लाइक सोलेनोइड एंड ऑल, इस तरीके का जो भी डिवाइसेस है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि रिले इज अ स्विचिंग डिवाइस एंड इट इज सेंसिटिव डिवाइस। बिल्कुल, अब रिले, व्हाई रिले इज स्विचिंग डिवाइस, रिले इज स्विचिंग डिवाइस बिकॉज इट हैज द टेंडेंसी टू पास द इलेक्ट्रिसिटी एंड टू इंटरप्ट द इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ दैट इट इज सेड रिले इज स्विचिंग डिवाइस, है ना। एंड व्हाई इट इज सेंसिटिव, बिकॉज रिले is a sensitive device because of its nature, relay can take decision in a fastest way like a sensor takes। मतलब जिस तरीके से एक सेंसर डिसीजन लेता है बहुत ही मतलब फास्टेस्ट वे में, उसी तरीके से आपका ये इस डिसीजन लेता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मतलब रिले is a device which can breaks the circuit when current goes beyond the rating। मतलब see, if you मतलब when you buy a component, electrical component at which there is a mention ratings of the component, either it could be मतलब either you talk about voltage, there is voltage rating or current rating, but the moment current rating goes beyond the current which is passing through the switch, if it goes beyond the rating which is mentioned on the component, this component has the property to break the circuit. Because of this nature, this is called a sensitive. क्यों? Because it was sensing the current. If it is under the rating, this switch can act perfectly. If it goes beyond, then it can interrupt the circuit easily. Because of this nature, it is called sensitive device. Next statement, any electrical device having two states, बिल्कुल, है ना, जो भी devices हैं, electrical devices हैं, and it's not only for electrical devices, this statement is for मतलब all the components which we use in electrical or electronics or different fields
ऑल कंपोनेंट्स हैव एटलीस्ट टू स्टेट, फंक्शनिंग स्टेट और नॉन फंक्शनिंग स्टेट. बट वी आर कंसर्न हियर अबाउट व्हाट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज वाई वी आर रिस्ट्रिक्टेड हियर इलेक्ट्रिकल. मतलब वी हैव रिस्ट्रिक्टेड अ टर्म इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, राइट. बट ऑल हैव टू, ऑल डिवाइसेस हैव टू स्टेट्स, इज कॉल्ड नॉर्मल स्टेट और दूसरा इज एक्साइटेड स्टेट. नॉर्मल स्टेट को हम लोग बोलते हैं ऑफ कंडीशन. इफ डिवाइस इज इन नॉर्मल स्टेट मीन्स डिवाइस इज इन ऑफ कंडीशन. इफ डिवाइस इज इन एक्साइटेड स्टेट मीन्स डिवाइस इज इन ऑन कंडीशन. सी एंड व्हेन अ सिस्टम या व्हेन अ डिवाइस इज इन ऑफ स्टेट, सॉरी ऑफ स्टेट, इफ कनेक्टेड स्विच इज एनो. And when a device is in excited state, or you could say in on condition, when switch is NC. And what do we mean by NO NC? We have said earlier, normally NO, normally closed. Next, symbol of NO NC, how does it look like? Then see, NO is represented in this manner, right? And NC is represented in this manner. And see, you could interpret your own. These two are the terminals from where what we can give input, and here from we can get output. And here is the same condition. But see, in between, state, right? These two are not connected, but here is connected. Means whatever input will feed here, we can get directly from here. But so far as this switch is concerned, being provided power supply at this terminal, right, we will not get power supply here at output, or here from output terminal. Why? Because these two contacts are not connected. See, somebody ask what is switch, then you can define a switch is in a manner. Switch is nothing but a combination of two contacts. What is switch? Switch is the combination of two contacts, and contact could be NO, contact could be NO, or contact could be NC. This is what has been represented here. This is NO contact and this is NC contact. But when a contact is connected with the terminal, metallic terminal, it becomes a complete switch, like here. And finally, the name of this switch is the NO and NC, right? Next, symbol of NO NC, how NO is represented and how NC is represented, right? NO is represented in this manner, NC is in this manner. But this is what we have discussed in the previous slide. But why this has been represented here? Because this symbol is very prominent. This is what we're going to use in PLC when we talk about the PLC programming, right? But this is the relation of NO NC in electrical circuit. NO NC is represented in this manner, or in PLC program, NO is represented in this manner, NC is represented in this manner. This is the symbol of these two. Next is port of NO NC. NO NC, and again, see here, NO has the number, matlab standard notation 3-4, and NC has standard notation 1-2. This is the standard notation at which NO NC is identified at global level, right? Suppose a relay or a contactor is connected anywhere in the circuit and you wanted to know how many NO NC are there at the component, then you don't have to use any supportive devices to know the figures of the switches. You could see at front of the component, numbers are given there, and you could just count the number, and you could get to know how many NO NC there at the component. ठीक है, सो ये नंबर से पता चलता है 3-4, मतलब 3 लिखा रहेगा इस एंड पे और 4 लिखा रहेगा इस एंड पे, 1 लिखा रहेगा इस एंड पे और 2 लिखा रहेगा इस एंड पे. मतलब जितना भी रहेगा आपका एनओ एनसी, उस सारे एनओ एनसी को 3-4 से, एनओ को 3-4 से और एनसी को 1-2 से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है. नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज ऑफ रिले। अब यूज ऑफ रिले का यूज क्या है भाई, तो सब मतलब सबसे फर्स्ट पॉइंट कहता है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड, रिले कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। What do we mean by electrical isolation? Electrical isolation means condition is not in favor, right? It can break the circuit easily. ठीक है, और it can separate the what conduct? It can separate the output and input. See, because the relay is a switch, and through switch we can connect what input and output. If condition is not in favor, then what happens? One thing, it can break the circuit, and this breaking property is called isolating the input and output. Means there is a gap in between input and output, because of that supply will not pass. Even if supply is available at the input, that supply will not reach to the output, because in between there is a break, and this break is called isolation, hai na? Because these two input and output, right, are isolated now because of some reasons, right? So relay can provide electrical isolation. Second point is called very short time on off, million microseconds, right? Relay can turn on and off in million microseconds. Dusra, matlab it has the fastest switching speed. Third point is called single pulse generate. So what do we mean by single pulse generate? Relay has the property to turn on and off in million microsecond. Means if we give power supply for a relay for 1 millisecond, right, in what manner it will provide output? It will provide output for a 1 millisecond. Why? Because relay is sensitive enough to provide output even in milli and microsecond. And if we feed power supply to the input of the relay, at the same time it provides output like 0 to 1, right? And the moment supply is interrupted, right, it goes to 1 to 0. So 0 to 1 and 1 to 0 is the representation of a pulse. So that is why we saying what relay can provide a single relay can generate a single pulse. Matlab agar hum relay ko 1 millisecond ke liye power supply dete hain, to ye output mein bhi 1 millisecond ka ek pulse जनरेट करेगा, एक पल्स को प्रोवाइड करेगा। अब उस पल्स से किसी भी चीज़ को अगर आप ट्रिगर करना चाहते हैं, सो द थिंग्स कैन बी डन, मतलब इट इज़ अप टू द यूज़र फॉर द यूज़र हाउ यू गोइंग टू यूज़ द सिग्नल्स, राइट। सिग्नल्स का तो एक बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है। आप किस तरीके से कहाँ पे क्या यूज करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। हाई स्पीड ऑन ऑफ दिस इज व्हाट वी हैव टॉक्ड इन द सेकंड पॉइंट, दिस हैज बीन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, है ना। तो वही नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हाई रिलायबिलिटी। एंड हाई रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, हाउ रिले इज रिलायबल, राइट। सो रिले का रिलायबिलिटी चेक करने के लिए वी कैन टॉक अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं कि रिले हाई रिलायबल है तो कैसे, सबसे पहले हम लोग देखें कि रिले क्या है, एक स्विचिंग डिवाइस है, ठीक है। तो और भी स्विचिंग डिवाइस है, रिले भी स्विचिंग डिवाइस है, और घर में जो हम लोग यूज करते हैं सिंपल मतलब बोर्ड पे, वो भी एक स्विचिंग डिवाइस है। तो हम लोग कोई भी कंपोनेंट को इवैल्यूएट करने से पहले कोई ना कोई एक पॉइंट पे बात करते हैं। तो वो पॉइंट यहाँ पे क्या है, तो वो पॉइंट हो सकता है आपका, एक तो हम लोग उसका एप्लीकेशन को देखें, दूसरा हो सकता है उसका कॉस्ट को देखें, तीसरा हो सकता है आप उसका मतलब लाइफ को देखें, है ना। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात करते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं कि रिले का कॉस्ट, तो एक रिले का कॉस्ट अगर सिंपल देखिएगा तो आपका मतलब मिनिमम तो आपका कितना हो जाता है, लगभग 40 से 50 रुपए के आसपास एक रिले का कॉस्ट हो जाता है। और एक स्विच का अगर ऐसे कॉस्ट देखिएगा स्टैंडर्ड कंपनी का भी, तो कम से कम 15 से 20 रुपए के आसपास में होता है ऐसा।
कहने का मतलब कि मतलब जितना कॉस्ट में हम लोग एक रिले को खरीदते हैं उतना कॉस्ट में हम लोग तीन स्विचेस को खरीद सकते हैं, है ना। तो अगर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन ज़्यादा रिलायबल है, तो पता चला कि स्विच, सिंपल स्विच, क्योंकि रिले एक्सपेंसिव है, है ना। तो आपका रिले स्विच जो है ज़्यादा रिलायबल है, ये तो हो गया कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग क्या करते हैं कि उसको देखते हैं एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो रिले में हम लोग नंबर ऑफ कंपोनेंट को कनेक्ट कर सकते हैं, वेयर एज स्विच राइट ओनली वन कंपोनेंट कैन बी कनेक्टेड, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो रिले इज मोर रिलायबल, बट इस दोनों एग्जाम्पल से हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक्चुअली है रिलायबल ज़्यादा कौन, रिले या स्विच, क्योंकि एक में स्विच ज़्यादा रिलायबल हुआ, एक में रिले। तो तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं लाइफ। रिले का लाइफ होता है कम से कम, मतलब एक रिले का अगर ऐसे सिंपल स्टैंडर्ड लाइफ को देखते हैं तो हमको लगता है कि मतलब 12 से 15 साल ऐसे तक का होता है जो इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज़ करते हैं, उसका एक लाइफ स्पैन दिया रहता है, उतना होता है। और एक स्विच का मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होता है, तो 3 to 5 years, मतलब समझिए कि 3 से 5 साल और वहाँ 12 से 15 साल, मतलब मैक्सिमम लेकर के चलते 5 और 15, मतलब क्या है कि 5 साल के बाद हमको ऑटोमेटिकली इस स्विच को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पे 15 साल के लिए हमको कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप समझिए कि एक बार अगर हम लोग 50 रुपया लगाते हैं तो 15 साल के लिए निश्चिंत हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे एक बार हम लोग 20 रुपया लगाएं तो हर एक 5 साल के बाद हमको उसको चेंज करना पड़ेगा। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कौन ज़्यादा रिलायबल है, तो पता चला क्या कि आपका रिले ही ज़्यादा रिलायबल है। सिर्फ कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने के बाद पता चला कि रिले इज़ मतलब हाई रिलायबल। नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो फॉल्ट फ्री, मतलब ये फॉल्ट फ्री का मतलब क्या है भाई, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, या अभी हम लोग इसको क्या कर रहे थे, एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, तो इसको हम लोग अब एप्लीकेशन में लाते हैं। और एक एप्लीकेशन क्या है कि एक दो सर्किट, मतलब एक सर्किट हम लोग बनाते हैं या दो सर्किट बनाते हैं, और एक सर्किट में दोनों सर्किट सेम ही हैं, और एक सर्किट में हम लोग मतलब एक मोटर, दो मोटर लेते हैं, और दोनों मोटर को हम क्या करते हैं, सेम सर्किट बना मतलब के थ्रू उस मोटर को ऑपरेट करते हैं। बस डिफरेंस यहाँ पे इतना है कि एक मोटर में जो स्विच लगाते हैं वो सिंपल स्विच जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं वो लगाते हैं, और दूसरे में हम लोग रिले लगाते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो इसमें क्या हुआ कि स्विच को कनेक्ट करने के बाद हम लोग सप्लाई दिए, मोटर चल रहा था, दूसरे में भी दिए, मोटर चल रहा है, दोनों ही में मोटर चल रहा है। हम क्या किए कि दोनों में जानबूझकर के वहाँ पे शॉर्ट सर्किट किए और देखे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो मोटर स्विच से कनेक्टेड था वो स्विच एज वेल एज मोटर दोनों बर्न हो गया, लेकिन जो मोटर आपका रिले से कनेक्टेड था उसका सिर्फ रिले डैमेज हुआ और मोटर एकदम फुल्ली प्रोटेक्टेड है। इसी बात के लिए इस रिले को बोला जाता था कि रिले प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। क्यों? क्योंकि रिले में क्या होता है, कॉयल मतलब द मोमेंट बी प्रोवाइडेड शॉर्ट सर्किट टू द इनपुट ऑफ द बोथ डिवाइसेस राइट, कॉयल ऑफ द रिले got damaged, got burnt, right? But the moment coil got burnt, relay did not allow electricity to the output through the contacts. And if electricity do not pass, means connected component is safe, is off. Fine. So this is what the difference is. आप समझिए कि fault free ज़्यादा कौन है? The switch which has got damaged, this cannot be regained, yeah, this cannot be reused, but the relay which has got burnt out, right, we can reuse the component by changing the coil, by changing the coil of the relay, राइट right. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग को समझ में आता है क्या कि रिले जो है वो फॉल्ट फ्री डिवाइस है। क्यों? क्योंकि जो कंपोनेंट डैमेज हुआ उसी कंपोनेंट को हम लोग फिर से दोबारा यूज़ कर लिए, सिंपल एक छोटा सा चेंज करके। बट यहाँ पे जो मोटर स्विच से कनेक्टेड था तो वो तो पूरा स्विच ही डैमेज हो गया, मतलब वो स्विच दोबारा यूज नहीं हो सकता है। सो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि रिले इज़ फॉल्ट फ्री डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ये जो है आपका एक रिले का व्यू है,
है ना। अगर आप एक रिले को देखेंगे तो इस तरीके का उस पर नंबर रहता है, आप सभी मतलब ऐसे इन जनरल हर एक रिले पे मतलब ये नंबर मतलब ज़्यादा कम भी हो सकता है, ठीक है, बट मिनिमम तो ऐसे आपको 2 और 3 5 नंबर तो ज़रूर रहेंगे, और ऐसे नंबर बढ़ते जाता है क्योंकि जितने सारे कॉन्टेक्ट्स होंगे उतने सारे उतना ही ज़्यादा नंबर्स होंगे, ठीक है। सिर्फ हम इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि जो नंबर है एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये नंबर जो है आपको नंबर ऑफ पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक रिले पे जिस रिले की हम लोग बात कर रहे हैं उस रिले में आपका 14 पोर्ट्स होते हैं, ऐसे कर करके 14 पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इस पोर्ट्स को दो सेक्शन में डिवाइड किया, मतलब 1 से लेकर के 12 तक जो है उसको हम लोग एक सेक्शन में रखते हैं, और 13-14 है वो एक सेक्शन के लिए, जिसको हम लोग सप्लाई पोर्ट के नाम से जानते हैं, और ये सब सारा स्विचिंग पोर्ट है। आप समझिएगा, इसमें सप्लाई सेक्शन कहने का मतलब, अभी हम लोग बात कर रहे थे कुछ देर पहले, है ना, कि रिले में कॉइल होता है जिसपे कि पावर सप्लाई देते हैं, तो कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो एनो होता है, एनसी होता है, समथिंग, है ना, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग डिटेल में देख रहे हैं यहाँ पे, उसका जो पोर्ट नंबरिंग होता है वो इस तरीके से होता है। अब समझिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा तो नॉर्मल कंडीशन में एनो पोर्ट समथिंग कुछ ऐसा होता है और एनसी पोर्ट कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से। ये अब ध्यान से देखिएगा, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन जब रिले को आप खरीदेंगे, लाएंगे, देखेंगे, तो आप उसमें देखिएगा क्या ऑब्जर्व करिएगा कि 9 नंबर जो पिन है उससे एक वायर, मतलब एक वायर शोल्डेड है, और उसको उस वायर का जो सेकेंड एंड है वो एक प्लंजर के थ्रू होते हुए 1 से कनेक्टेड है। उसी तरीके से 10-2 से कनेक्टेड है, 11-3 से कनेक्टेड है, 12-4 से कनेक्टेड है, और ये जो आपका 5-6-7-8 जो है वो आपका फ्री है, मतलब इस पर भी कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो 9-10-11-12 है, ये आपका जो पोर्ट है ये परमानेंट है, बट क्या होता है कि ये जो कनेक्शन अभी इसके साथ है, ये कनेक्शन मे बी इसके साथ भी हो सकता है, ये चेंज होता है, ये अल्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हमको समझ में आया क्या कि एक रिले पे नॉर्मल कंडीशन में आपका 8 एनो होता है और 4 एनसी होता है, मतलब कि अगर रिले नॉर्मल कंडीशन में है और उसको हम यूज़ करना चाहते हैं, इस रिले की बात कर रहे हैं जिसका हम डायग्राम यहाँ पे दिखाए हैं, तो उस रिले के थ्रू हम लोग 4 डिवाइसेस को एट ए टाइम ऑन कर सकते हैं और 8-8 डिवाइसेस को हम लोग ऑफ कर सकते हैं एक टाइमिंग में। लेकिन अब क्या है, इसको आगे देखते हैं। ये देखिए फ्रंट व्यू था रिले का, है ना, इसको आगे देखते हैं तो एक चीज़ समझ में आएगा क्या। अब ध्यान से देखिएगा, अभी भी वही सेक्शन वही है लेकिन चेंज हुआ। पहले देखिए क्या लिखा हुआ था, नॉर्मल कंडीशन ऑफ एनो एनसी, और अभी लिखा हुआ है एक्साइटेड कंडीशन ऑफ एनो एनसी, और देखिए एक अल्ट्रेशन हुआ। अल्ट्रेशन क्या हुआ कि पहले जो 9 से कनेक्शन था वो 1 के साथ कनेक्टेड था, लेकिन अब जो अल्ट्रेशन हुआ वो अल्ट्रेशन क्या हुआ, 1 से हट करके वो 5 से कनेक्टेड हो गया। मतलब क्या हुआ है कि पहले एनसी था आपका 9-1 और अब एनसी हो गया है 9-5, ऐसा, है ना। तो क्या समझ में आया कि अभी देखिए यहाँ पे जो यहाँ वाला ग्रुप था 1-9-2-10-3-11-4-12 और यहाँ वाला जो है 5-9-6-10-7-11-8-12, ये दोनों जो चीज हुआ ये चेंज हो गया, लेकिन ये वाला जो 4 का जो ग्रुप है 1-5-2-6-3-7-4-8, ये दोनों ही कंडीशन में, चाहे तो रिले आपका नॉर्मल स्टेट में हो या रिले आपका एक्साइटेड स्टेट में हो, दोनों ही स्टेट में क्या हुआ, ये एनो का एनो ही रह गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले जब कनेक्शन था देखिए ऐसा, पहले जब कनेक्शन है यहां पे 1-9 के बीच में, तब भी 1 और 9 कनेक्टेड है, मतलब जो कनेक्टेड है वो एनसी, लेकिन 9-5 कनेक्टेड नहीं है और 1-5 कनेक्टेड नहीं है, तो 9-5 भी एनो हुआ और 1-5 भी एनो हुआ, ठीक है। तो ये वाला सीरीज
95 वाला सीरीज का तो चांसेस है कि जब स्टेट चेंज होगा तो ये तो एनसी हो जाएगा, लेकिन इसका कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि स्टेट चेंज होगा तो एनसी होगा। क्यों? क्योंकि एट ए टाइम एनसी कोई दो नंबर ही हो सकता है और यह नंबर कितना है, 3। तो या तो एनसी आपका 19 हो, नहीं तो एनसी आपका 95 हो। मतलब क्या है कि ये जो ऊपर वाला सीरीज है 15, 26, 37, 48, ये जो है ये हमेशा एनो का एनो ही रहेगा। वेदर रिले इज इन नॉर्मल स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट मींस ये जो चार आपका ग्रुप है, जो सेट है, ये कभी भी यूज में नहीं आएगा। मतलब ये क्या है, नॉन यूज्ड, ये यूज नहीं होगा। यूज कौन कौन सा ग्रुप होगा, यूज हो सकता है आपका 1, 9, 2, 10, 3, 11, 4, 12 और कौन कौन सा 5, 9, 6, 10, 7, 11, 8, 12। बट ये सब आपका जो 1, 2 के साथ है और 5, 6, 7, 8 है, ये सब जो कॉम्बिनेशन है ये कभी यूज में नहीं आएंगे। ऐसा अब इसी चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम एक मतलब हेल्प लेकर के यहाँ पे दिखाते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट वाला हुआ जो देखे थे। अब यहाँ पे देखिए, एक नंबर है इस तरीके से यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। अब इस नंबर को अगर हम लोग बोलें कि बताइए तो ये कौन कौन सा स्विच है, तो आप सिंपली बता दीजिएगा कि सर ये जो है आपका एनो है और ये एनसी है, ये एनसी है, ये एनो है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि कैसे आप पहचाने कि एनो एनसी है, तो आपका सिंपल सा मतलब रिस्पांस होगा कि सर इसमें जो आपका मतलब कॉन्टेक्ट है वो कनेक्टेड नहीं है, इसलिए एनओ। इसमें कॉन्टेक्ट है जो कनेक्टेड है एनसी, इसमें कनेक्टेड है एनसी, इसमें कनेक्टेड नहीं है इसलिए एनओ। ओके, सपोज कि ये जो बीच वाला पोर्शन होता है एक कवर होता और हम आपको बोलते कि इसको आइडेंटिफाई करिए, तो करना थोड़ा सा टफ हो जाता, मुश्किल हो जाता। उस कंडीशन में आपको कोई ना कोई सपोर्टिव डिवाइसेस का जरूरत पड़ता है, या तो मतलब सीरीज लैंप यूज करते, कोई टेस्ट लैंप लाते, या तो आप मल्टीमीटर लाते और उसका कंटिन्यूटी को चेक करते, कुछ इस तरीके का। बट सपोज आपके पास कोई डिवाइसेस नहीं है और इट यू हैव बीन आस्क्ड टू नो द स्टेट ऑफ द टू कंडीशन ऑफ द स्विचेस, राइट, वेदर इज एनओ एनसी, तो कैसे जानेंगे? इसी चीज के लिए है ना आई ट्रिपल ई ने एक नंबर दिया है, उसका स्टैंडर्ड नोटेशन एक दिया है, ठीक है, कि कोई भी इस चीज़ को देख करके समझ जाए। देखिए अब जब ये स्टैंडर्ड नोटेशन है तो इस चीज़ को अगर आप कवर भी कर देते हैं, ढक भी देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा 3, 4 इंडिकेट्स एनओ, 1, 2 इंडिकेट्स एनसी, 1, 2 इंडिकेट्स एनसी, 3, 4 इंडिकेट्स एनओ। मतलब समझ में आ गया कि ये एनओ है, वो एनसी है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये जो पोर्ट का डिजिग्नेशन है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि देखिए जब आप फिजिकल डिवाइस को देखिएगा तो वो जो कॉन्टेक्ट्स रहेंगे वो तो इनसाइड में रहेंगे, उसको तो आप देख भी नहीं पाएंगे, तो चेक कैसे करेंगे? या तो कोई आप सपोर्टिव डिवाइसेस का हेल्प लेंगे और नहीं तो उस पर कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन रहेगा, उसके थ्रू आप चेक करेंगे। इसीलिए इस स्टैंडर्ड नोटेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए वो नंबर किस में चेंज हो गया। पहले वो जो नंबर था वो वहाँ पे सिर्फ 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन अब वो नंबर चेंज हो गया है। पहले नंबर 1-1 था, सिर्फ 1, 2, 3, 4 ऐसा, अब वो नंबर 2 डिजिट में चेंज हो गया, 2 फिगर में, है ना। अब इसमें क्या हो सकता है, क्या है, पहले वाले नंबर का मतलब तो समझ में आया था कि वो एनओ एनसी को रिप्रेजेंट कर रहा था, अभी में क्या चेंजेस हुआ? अभी में भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। देखिए क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट का नंबर है 3, 4 वही है, लास्ट का नंबर 1, 2 वही है, लास्ट का नंबर 1, 2 वही है और 3, 4 वही है, लेकिन आगे का जो नंबर है फ्रंट का 1, 1 क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन में है, सेकंड पोजीशन में है, 2, 2 है ना, इसलिए 22, 3, 3 एंड 4, 4 अगर मान ली जाए नंबर ऐसा बहुत सारा होता है ऐसे, तो वो क्या होता कि आगे वाला जो नंबर होता है वो होता है नंबरिंग ऑफ द पोजीशन, है ना, और दूसरा जो होता है वो बताता है नंबर ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर ऐसे करके देखिएगा, नंबर ऑफ पोजीशन एंड नंबर ऑफ एनओ एनसी,
तो इससे पता चलता है। और यही डेजिग्नेशन आपका कोई भी कंपोनेंट पे होता है, वो कंपोनेंट पे 1, 2 नहीं लिखा रहा था, 3, 4 नहीं लिखा रहा था, वो इस तरीके का डेजिग्नेशन रहता है। लेकिन हमको कैसे पहचानना है, लास्ट वाले नंबर को देखिए 3, 4, NO, लास्ट वाले नंबर को देखिए 1, 2, NC। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये सब, अब जैसे मान लीजिए 4 मोटर था, कोई एक मोटर जल गया, ठीक है, मतलब इस सर्किट में यूज हो रहा है और कोई एक मोटर जल गया, हम कैसे पहचानेंगे कि भाई कौन सा मोटर जो है जला है, तो उसको देखेंगे कि हाँ भाई इस मोटर का पावर सप्लाई इससे आ रहा था, इस मोटर का पावर सप्लाई इससे आ रहा था, मतलब पहला मोटर का पावर सप्लाई 13-14 से जा रहा था, दूसरा मोटर का सप्लाई 21-22 से जा रहा था, तीसरा मोटर का सप्लाई 31-32 से जा रहा था। तो हम जैसे ही देखेंगे कि तीसरा मोटर ऑन मतलब ऑफ हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई 31-32 वाला जो कॉन्टेक्ट है उसको चेक करिए, उससे पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। कुछ इस तरीके का मतलब हम लोग को सपोर्ट लेना है इन फ्यूचर, इसके लिए इस तरीके का डेजिग्नेशन कंपोनेंट पे दिया जाता है कि जब कॉन्टेक्ट्स आपका इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मतलब शॉर्ट में कुछ ना कुछ आपका मतलब ऐसा चीज़ होना चाहिए जिसके थ्रू आप प्रॉब्लम को इजीली एक्सेस कर सकें, और वो स्टैंडर्ड नोटेशन ही करता है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, अब ये रिले का देखिए एक डायग्राम है जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ रिले बोल रहे हैं, कि रिले जो है बना किस किस चीज़ का है, उसमें होता क्या क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, रिले में क्या होता है, एक आपका मेटल प्लेट होता है, उसमें आपका कोर होता है, कोर पे कॉइल उंडेड होता है जिसके थ्रू पावर सप्लाई देते हैं। उसके बाद आपका देखिए क्या है, प्लंजर है, प्लंजर क्या होता है, स्प्रिंग से अटैच्ड होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सब सारे पोर्ट्स हैं जो आप 1 से 12 के बीच में रिले में वो नंबर देखे थे, वो सब सारे यही सारे पोर्ट हैं, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये ए इनपुट है तो ये आउटपुट है, मान लीजिए ए इनपुट है तो ये आउटपुट है, ए इनपुट है तो आउटपुट है। तो देखिए क्या हो रहा है, इनपुट, ये इनपुट जो है वो कनेक्टेड नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर इनपुट आप देंगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, यहाँ पे इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे इनपुट देंगे तो आउटपुट मिलेगा। कहने का मतलब कि ये जो दो स्विचेज है वो NC है, जबकि ये जो स्विचेज है वो NO है, नॉर्मली ओपन, और ये क्या है, नॉर्मली क्लोज्ड। जबकि रिले यहाँ पे देखिए नॉर्मल स्टेट में है, क्यों, क्योंकि आप अभी यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं दिया गया है। तो जब सप्लाई नहीं दिया गया है तो रिले का स्टेट नॉर्मल है, और इस नॉर्मल स्टेट में दो NC स्विचेज है इसके पास और एक NO है। कहने का मतलब इस स्टेट में दो मोटर कोई ये चला सकता है और एक मोटर बंद रह सकता है। लेकिन क्या होगा जब स्टेट चेंज होगा, ठीक है, तो स्टेट चेंज होगा तो क्या होगा, तो हम लोग आगे बात करते हैं, आगे देखिए ध्यान से, है ना। अभी देखिए यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ तो क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ तो देखिए क्या हुआ है, जैसे ही रिले पे हम लोग 24 वोल्ट 0 वोल्ट पावर सप्लाई दिए हैं, जैसे ही पावर सप्लाई दिए तो क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे पावर सप्लाई देने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ, और ये मैग्नेटिक फील्ड है ना इंड्यूस्ड हुआ तो क्या हुआ कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ ये मेटल से इंटरैक्ट किया, और मेटल से जैसे ही मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो गया कि टेम्पोररी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, और मैग्नेट की तरह ये जब बिहेव करने लगा तो इसके अपोजिट में ये क्या था, ये प्लंजर था। प्लंजर किसका बना हुआ है, मेटल का, और मेटल का क्या प्रॉपर्टी है कि कहीं पर अगर मान लीजिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये क्या हुआ उसकी तरफ अट्रैक्ट किया, जैसे ही अट्रैक्ट हुआ ऊपर की तरफ तो ये क्या हुआ कि ये जो NO था ये हो गया NC, और ये जो दोनों NC था वो हो गया NO, मतलब ये जो अट्रैक्शन हुआ और जिसकी वजह से पोर्ट चेंज हुआ NO टू NC, NC टू NO, दिस क्रेडिट गोज टू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रिले में कुछ मतलब बेसिक चेंजेज होता है, और वो क्या चेंजेज होता है, स्विचिंग लेवल पे चेंजेज होता है, ठीक है, मतलब जिसके थ्रू पावर सप्लाई नहीं जा रहा था अब उसके थ्रू पावर सप्लाई जा रहा है, और जिस कॉन्टेक्ट के थ्रू स्विच के थ्रू पावर सप्लाई पास हो रहा था वो अभी ब्रेक हो गया है। कहने का मतलब कि ये दोनों मोटर जो पहले चल रहा था इस स्विचेस के थ्रू वो बंद हो गया, और इसके थ्रू जो मोटर कनेक्टेड था वो चलने लगा, कब, जब रिले एक्साइटेड स्टेट में आया। एक्साइटेड स्टेट मींस व्हाट, सप्लाई हैज बीन प्रोवाइडेड टू द रिले कॉइल, जस्ट इतना ही। और किसी भी कंपोनेंट को अगर आप बोलते हैं कि वो एक्साइटेड स्टेट में है, मींस कि उस पे पावर सप्लाई आपने दिया है, वो ऑन है, ठीक है। अब इसी को आप यहां पे यूज में देखिए, कोई सर्किट में अगर हम लोग यूज़ करते हैं तब समझिए, रिले अभी नॉर्मल स्टेट में है, ठीक है, और यहाँ पे इस साइड में हम लोग इनपुट दिए हैं 220 वोल्ट,
है ना। और यहाँ पे देखिए क्या है, दो तीन बल्ब कनेक्टेड है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दो बल्ब है जो पहले से जल रहा है, जबकि ये बल्ब है जो पहले से जल नहीं रहा है। इस पहले का मतलब क्या हो रहा है? पहले जो हम लोग बोल रहे हैं कि पहले से जल रहा है, कहने का मतलब क्या, किस एक कोई ना कहीं से तो हम लोग कुछ रेफरेंस ले रहे होंगे ना, किसके पहले? तो हम लोग इस क्वाइल से रेफरेंस ले रहे हैं कि क्वाइल पे हम लोग पावर सप्लाई अभी नहीं दिए हैं और उसके बावजूद भी ये जल रहा है, मतलब कि सप्लाई पे पावर सप्लाई नहीं दिया गया है और एक क्वाइल आपका जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस भी कर रहा है, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जैसे ही क्वाइल पे पावर सप्लाई देते हैं, ध्यान से देखिए, क्वाइल पे पावर सप्लाई दिए, क्या हुआ, ये मैग्नेटाइज्ड हुआ और उसके बाद ये अट्रैक्ट हुआ और ये देखिए एलईडी पीछे बंद था जो जलने लगा और एलईडी जो दोनों जल रहा था ये बंद हो गया। अब क्वेश्चन एराइज ये होता है, अब बोलेगा कि अच्छा एक चीज़ बताइए कि रिले पे हम लोग 24 वोल्ट दिए और यहाँ पे हम लोग 220 वोल्ट दिए, ये क्या है? देखिए रिले पे जो पावर सप्लाई देते हैं, रिले पे एसी भी दे सकते हैं, डीसी भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा रिले आप ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पावर सप्लाई देना पड़ेगा। तो इस सप्लाई को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल वोल्टेज और इसको हम लोग बोलते हैं पावर, मतलब पावर या सप्लाई वोल्टेज। इसके थ्रू कोई भी डिवाइस ऑपरेट होता है जो उसके आउटपुट में कनेक्टेड होते हैं और इसके थ्रू सिर्फ रिले का कंट्रोल होता है, रिले ऑन है या ऑफ, क्योंकि रिले अगर ऑन है तब भी ये डिवाइस इसको ऑन कर सकता है और रिले अगर ऑफ है तब भी ये डिवाइसेस को ऑन कर सकता है। लेकिन जब लॉजिकल डिसीजन होता है, लेना होता है कि हाँ भाई ये डिवाइसेस जब ऑन रहेगा तो ये डिवाइसेस ऑफ रहेगा और वो डिवाइसेस जब ऑफ होगा तो ये डिवाइसेस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, तो इस ऑटोमेटिकली को करने के लिए हम लोग रिले का हेल्प लेते हैं और ये बहुत ही ईजिली किया जाता है रिले का कॉइल पे पावर सप्लाई को प्रोवाइड कर लिए करने के लिए। और यहीं से जो ऑटोमेशन होता है वो स्टार्ट होता है, क्यों? क्योंकि रिले कैन टेक लॉजिकल डिसीजंस बाय प्रोवाइडिंग पावर सप्लाई टू द रिले कॉइल, बट सो फार एज सिंपल स्विच इज कंसर्न, सिंपल स्विच कैनॉट टेक डिसीजन लाइक रिले टेक्स। Why? Because the function of switch is, simple switch is dependent on a human being. जब आप उसको प्रेस करेंगे तो वो कहीं पे ऑन करेगा, ऑफ करेगा, नहीं करेंगे तो no function is going to happen, right? नेक्स्ट आगे देखिए, आगे एक डिवाइस है जिसका नाम है कॉन्टेक्टर। और कॉन्टेक्टर क्या है? कॉन्टेक्टर भी एक रिले के जैसा ही डिवाइस है, बट दोनों में बहुत ही फाइन डिफरेंस है, बहुत ही फाइन डिफरेंस, राइट। क्या है कि रिले जो है आपका लो पावर रेटिंग डिवाइस है और कॉन्टेक्टर जो है आपका हाई पावर रेटिंग डिवाइस है। रिले जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में और छोटे छोटे एप्लीकेशन में, घर पे भी यूज़ करते हैं और कहीं पे भी यूज होता है, मतलब फ्रिज में, वॉशिंग मशीन में, कुछ इस तरीके का जो डिवाइसेस वहाँ पे ऑटोमेशन करने के लिए हम लोग रिले का यूज़ करते हैं। लेकिन जब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात होता है और इंडस्ट्रीज में जो लगे मशीन्स होते हैं उसमें जो डिवाइसेस होते हैं उसमें कॉन्टेक्टर होता है ज़्यादातर, उसमें रिले नहीं होता है ना। तो अब अगर हम लोग बात ऐसे करें तो क्या है भाई, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्टेक्टर इज ऑल्सो स्विचिंग डिवाइस लाइक रिले, देयर आर स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन रिले एंड कॉन्टेक्टर, क्या, वोल्टेज रेटिंग का। कॉन्टेक्टर ओनली यूज इन हाई पावर रेटिंग एंड रिले इज फॉर लो पावर रेटिंग। और एक कॉन्टेक्टर का सिंबल है जिसको हम लोग मतलब सर्किट में जब यूज करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरीके का मतलब देते हैं, सिंबल लेते हैं। और A1 A2 क्या है, चाहे तो रिले हो या कॉन्टेक्टर हो, जब आप कंपोनेंट पे देखेंगे कि कॉइल कहाँ है तो उसका जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वो A1 एंड A2 ही होता है, ठीक है। आगे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है कि एक कॉन्टेक्टर है, जैसे रिले का एक फ्रंट व्यू देखे थे उसी तरीके से कॉन्टेक्टर का यहाँ पे फ्रंट व्यू है। और इस फ्रंट व्यू पे ध्यान से देखिएगा कि कितना नंबर है, ये देखिए 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44, ठीक है। कहने का मतलब कि इसमें A3, 3, 3, 3, कहने का मतलब यहाँ पे देखिए 4 NO है और यहाँ पे देखिए 3, 5 और यहाँ पे देखिए 3, 6, मतलब ये जो कॉन्टेक्टर है जिसपे कि आपका 6 NO है और देखिए यहाँ पे 1, 1 मतलब 2, 1, 2 और 1, 2 मतलब 2 NC है, मतलब ये जो भी कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर के पास में 6 NO है और वो 2 NC है। और A1 A2 क्या है, उसका कॉइल, मतलब जब इस A1 A2 पे पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो ये जो 6 NO है वो NC बन जाएगा और ये जो 2 NC है वो NO हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि इस कॉन्टेक्टर से हम लोग 6 कंपोनेंट को एट ए टाइम चला सकते हैं और 2 कंपोनेंट को बंद कर सकते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि 2 कंपोनेंट को एट ए टाइम चला सकते हैं और 6 कंपोनेंट को
बंद कर सकते हैं। इस तरीके का एक्टिविटी आप इस कॉन्टेक्टर का हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए वो किस तरीके से कनेक्शन है, जिस तरीके से रिले में हम लोग देखे थे उसी तरीके से कॉन्टेक्टर में भी है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए बोलता है मेन सर्किट। मेन सर्किट में अगर हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो कैसे काम करते हैं, देखिए एक कॉइल होते हैं है ना A1 A2, और इसके थ्रू जो ये थ्री फेज पावर सप्लाई होता है, जैसे थ्री फेज का अगर कॉन्टेक्टर है तो थ्री फेज का होगा, तो देखिए L1 L2 है ना, L1 L2 L3, T1 T2 T3। जब आप इधर में पावर सप्लाई मतलब थ्री फेज कनेक्ट थ्री फेज पावर सप्लाई देंगे तो इधर में आपको थ्री फेज का आउटपुट मिलेगा, ठीक है, लाइन एंड टर्मिनल पे। लेकिन वो कब मिलेगा, जब आप कॉन्टेक्टर का कॉइल पे पावर सप्लाई देंगे तो जो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, ये देखिए ध्यान से ऐसा है ना, L1 L2 ऐसे करके L1 L2 L3, T1 T2 T3 है ना, इधर से आप इनपुट देंगे और इधर से आपको आउटपुट मिलेगा। A1 A2 क्या है भाई, उसका पावर सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और दिखाया है क्या, कि कोड फॉर डीसी कॉइल, मतलब अगर आप कॉन्टेक्टर का कॉइल लेने जाते हैं मार्केट से तो अगर आपको कितने रेटिंग का चाहिए वो तो आप डिसाइड करके जाएंगे ही, तो या तो आप उसका वोल्टेज रेटिंग बताइए तब आप कॉन्टेक्टर खरीद सकते हैं, नहीं तो उस वोल्टेज रेटिंग का जो कोड होता है वो बताइए तब आप खरीद सकते हैं। तो मिनिमम रेटिंग ऑफ कॉन्टेक्टर या रिले क्या है भाई, 24 वोल्ट, नहीं, मिनिमम रेटिंग ऑफ रिले क्या होता है भाई, तो 24 वोल्ट से स्टार्ट होता है इवन है ना इसका भी रिले का। और कॉन्टेक्टर जो होता नहीं, मिनिमम रेटिंग किसका है भाई, ये आपका रिल कॉन्टेक्टर का रेटिंग है मिनिमम 24, और मैक्सिमम कितना होता है 220 यहाँ तक दिया है, बट जो अपडेटेड लिस्ट है उसमें कितना है 660 वोल्ट तक कॉन्टेक्टर अवेलेबल है जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है ना। और रिले और कॉन्टेक्टर का जो रेटिंग होता है उसका क्या है, क्या डिफरेंस है, रिले का जो कॉन्टेक्टर मतलब रिले का जो पावर रेटिंग है वो 3 वोल्ट से स्टार्ट होकर के 24 वोल्ट तक रहता है, लेकिन जो कॉन्टेक्टर का जो कंट्रोल वोल्टेज है या जो पावर रेटिंग है वो 24 वोल्ट से स्टार्ट होकर के 660 वोल्ट डीसी तक जाता है। ये मेन डिफरेंस है रिले एंड कॉन्टेक्टर के बीच में सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका कॉइल का मतलब पावर रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए इसी तरीके का एक समझिए कि एक कॉन्टेक्टर है, ऐसे लिखा हुआ है आपका कॉइल, तो एक कॉन्टेक्टर का एक कॉइल है, ठीक है। आप इसमें जब 120 वोल्ट पावर सप्लाई देंगे तो ध्यान से देखिएगा, इधर से देखिए थ्री फेज पावर सप्लाई जा रहा है जो कि यहां तक है, बट ये पावर सप्लाई देखिए पास नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पे सब कॉन्टेक्ट एनो है तो पावर सप्लाई पास नहीं हो रहा है। और ये क्या है, एक कॉन्टेक्टर है जिसका इस कॉन्टेक्टर का ये मेन कॉन्टेक्ट है, मतलब ये तीनों मेन कॉन्टेक्ट है और ये उसका एक्जुलरी कॉन्टेक्ट है। एक्जुलरी कॉन्टेक्ट से हम लोग डिफरेंट मतलब इस एप्लीकेशन को में अगर कुछ सपोर्ट मतलब इस एप्लीकेशन या इसके साथ में कुछ अगर हम लोग को इंडिकेटर कनेक्ट करना हो तो कर सकते हैं, इसके लिए एक्जुलरी कॉन्टेक्ट होते हैं, राइट। अब देखिए जैसे ही कॉइल में पावर सप्लाई देते हैं तो जितने भी चार एनो है एनसी होगा, जैसे ही एनसी होगा तो देखिए इसके थ्रू पावर सप्लाई जाएगा और ये अभी फ्री रहेगा क्योंकि इसमें पावर सप्लाई नहीं है तो आउटपुट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, नो इनपुट नो आउटपुट, राइट। ऐसा तो इस तरीके से ये फंक्शन करता है आपका रिले या कॉन्टेक्टर, जबकि यहां पे लिखा हुआ है आपका रिले कॉइल, बट दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टेक्टर बिकॉज पावर रेटिंग इज 120 है ना। लेकिन रिले और फंक्शन का बिहेवियर एक ही है, नेचर एक ही है, डिफरेंस इतना है कि रिले को लो पावर रेटिंग पे यूज करते हैं, कॉन्टेक्टर को हाई पावर रेटिंग, और जब थ्री फेज की बात होता है तो देयर मस्ट बी कॉन्टेक्टर नॉट रिले, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका पुराने जमाने का स्टार्टर है, यहाँ पे देखिए ये L1 L2 L3, यहाँ पे देखिए T1 T2 T3, मतलब इधर से लाइन इन और इधर से एक टर्मिनल, और टर्मिनल मतलब जहाँ से मोटर कनेक्टेड होता है, लाइन कहने का मतलब कि ये जो पोर्शन है वो सोर्स से कनेक्टेड होता है जहाँ से पावर सप्लाई आता है, ये इस तरीके का स्टार्टर होता था। यहाँ पे भी वैसे ही है L1 L2 L3 T1 T2 T3, देखिए इसको ऑन ऑफ करने से सप्लाई पास होता है, ठीक है। ये देखिए आपका कॉन्टेक्टर के बारे में थोड़ा सा लिखा है क्या, कॉन्टेक्टर इज अ कंट्रोल डिवाइस दैट यूजेस अ स्मॉल कंट्रोल करंट टू इनर्जाइज और डी इनर्जाइज द लोड कनेक्टेड टू इट। सिंपल वही बात है कि कॉन्टेक्टर क्या है, कंट्रोल डिवाइस है जो क्या करता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ कंट्रोल करंट उसको चाहिए उसको इनर्जाइज और डी इनर्जाइज होने के लिए, मतलब ऑन एंड ऑफ होने के लिए। और क्या होता है कि जो लोड इससे कनेक्टेड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि क्या क्या उसमें है, कॉन्टेक्ट है, कॉइल है, प्लंजर है, वही सारा बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं आगे, राइट। आगे यहाँ पे देखिए कुछ सर्किट्स इस तरीके से बनाया हुआ है, बट हम आपको एक इसका एक मेन एप्लीकेशन आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर का यहाँ पे एक एप्लीकेशन है। अब इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा तो कि क्या हो रहा है।
इसमें आप देखिए कि यहाँ पे एक आपका कॉन्टेक्टर का एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम इसको समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये थ्री फेज पावर सप्लाई है, है ना, फेज 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 लिखा हुआ है, जिसका कि आप नाम देते हैं आर बाई बी, स्टैंडर्ड नेम होता है, या तो आप कोई भी नोटेशन दे दीजिए ए बी सी, आप समझिए थ्री फेज पावर सप्लाई है। और ये जो आपका यहाँ पे ऐसे करके दिया हुआ है, ये एक थ्री फेज मेन स्विच है, ठीक है। आप इसको ऑन करेंगे, थ्री फेज पावर सप्लाई ऑन हो जाएगा, कट करेंगे मतलब ऑफ करेंगे, थ्री फेज पावर सप्लाई कट जाएगा, पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा, समझिए। अब यहाँ से देखिए क्या है कि ये कनेक्शन यहाँ से आर बाई बी, समझिए यहाँ पे आया, जिससे इसको आर बाई बी मान लीजिए, है ना, ए को आर, बी को बाई, और सी मतलब आर बाई बी, है ना, ये बी, तो यहाँ पे सप्लाई इधर से आया, या ए बी सी ही मानिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ऐसे आया, मतलब ए आपका ए है, ये आपका बी है, ए आपका सी है, आर बाई बी है। इसको देखिए लिखा हुआ है एम एस एफ एम एस एफ एम एस एफ, एम एस एफ कहने का मतलब मोटर स्टार्टर फॉरवर्ड और मोटर स्टार्टर रिवर्स। अब समझिए, यहाँ पे दो कॉन्टेक्टर्स हैं, ये जो कॉन्टेक्ट आपको पता चल रहा है, तीन कॉन्टेक्ट का एक कॉम्बिनेशन होता है थ्री फेज में, और यहाँ पे थ्री फेज में देखिए ये, तो ये एक कॉन्टेक्टर इससे थ्री फेज पास हो रहा है, और यहाँ पे देखिए दूसरा कॉन्टेक्टर से थ्री फेज पास हो रहा है। बट इसको बनाया क्या गया है, ए आपका एक मतलब वो स्टार डेल्टा का सर्किट है, जिसको आप फॉरवर्ड और रिवर्स भी बोल सकते हैं। अगर एक मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स दो डायरेक्शन में मूव करना है, तो हम लोग सिंपल जाते हैं कि अगर उसको आर बाई बी पावर सप्लाई दीजिएगा, तो मोटर आपका क्लॉक डायरेक्शन में मूव करेगा। जब उसी आर बाई बी में से किसी दो फेज को आप अल्टर कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा, तो वही मोटर आपका एंटी क्लॉक में भी मूव करने लगेगा। बस फेज का अल्ट्रेशन के कारण मोटर क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम मूव करने लगता है। और यही काम यहाँ पे इस सर्किट में किया गया है। देखिए कैसे समझाते हैं, ये देखिए ए जो है आपका, यहाँ से पावर सप्लाई चला गया मोटर में ए, और इसी को जब फर्दर आप देखते हैं, तो इधर से चला गया ये सी, मतलब ए और सी को शॉर्ट करके यहाँ पे देखिए कनेक्ट किया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ए आपका यहाँ पे आ रहा है बी, और इस बी का जो कनेक्शन यहाँ से ऐसे करके ले गया बी, मतलब बी का बी, बी जो है रिमेन इज बी, बी इज रिमेन बी, राइट। बट यहाँ पे देखिए सी जो है, सी का अल्ट्रेशन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक सी है, और इस सी का अल्ट्रेशन हो गया ए के साथ, मतलब ए अल्टर्ड विथ सी एंड सी अल्टर्ड विथ बी, मतलब सी अल्टर्ड विथ ए, ऐसे कर करके अल्ट्रेशन हुआ है। अब इससे क्या हुआ कि पावर सप्लाई तो मोटर में गया। अब ध्यान से देखिए, ये आपका एमएसएफ एमएसएफ एमएसएफ, ये मोटर का जो कॉन्टेक्ट था, इसका जो कॉइल है वो देखिए यहाँ पे है। ध्यान से देखिए एमएसएफ मतलब जब ए ऑन होता है, तो ये तीनों देखिए एनसी है, है ना, एनसी है। जब ये ऑन होता है, ध्यान से देखिए यहाँ पे ए, तो यहाँ पे ए तीनों एनसी है, मतलब कभी सप्लाई इस तीनों कॉन्टेक्ट से पास होता है, और कभी सप्लाई इस तीनों कॉन्टेक्ट से पास होता है। जब इससे पास होता है, तो मोटर देखिए क्लॉक में मूव करता है, और जब इससे पास होता है, तो मोटर देखिए एंटी क्लॉक में मूव करता है। और ये मोटर का एक ग्राउंड पोर्शन है, ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये ओवरलोड है, मोटर का ओवरलोड, और इस ओवरलोड का कॉन्टेक्ट देखिए यहाँ पे है, समझ में आ रहा है ना, ये मोटर ओवरलोड डिवाइसेस है, और ये मोटर का कॉन्टेक्ट मतलब ओवरलोड का एक कॉन्टेक्ट है। आप समझिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए स्टॉप बटन है, जो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसी दो फेज से मतलब 220, यहाँ पे थ्री फेज मोटर में गया, और यहाँ से टू मतलब यहाँ से कितना लिया, दो फेज से मतलब 440, ये 440 को ट्रांसफार्मर में डाल करके, और वोल्टेज को क्या किया, कम किया, मतलब स्टेप डाउन किया, और स्टेप डाउन करने के बाद यहाँ से फेज निकाला, और इधर से देखिए ग्राउंड निकाला। इस फेज को निकाल करके यहाँ से एक स्विच के थ्रू यहाँ पे दिया पावर सप्लाई, और यहाँ पे देखिए एक फॉरवर्ड स्टार्ट बटन है, और एक रिवर्स स्टार्ट बटन है। जब फॉरवर्ड स्टार्ट बटन को देखिए इसको प्रेस कर, अभी देखिएगा, जब फॉरवर्ड स्टार्ट बटन को प्रेस करेगा, तो ये कॉइल ऑन होगा, और ये कॉइल ऑन होगा, तो ये तीनों एनसी हो करके मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाएगा। और जब रिवर्स स्विच को प्रेस करेंगे, तो रिवर्स कॉइल ऑन होगा, और ये तीनों स्विच एनसी हो करके रिवर्स डायरेक्शन में चलाएगा। और कभी भी अगर मान लिया जाए ओवरलोड होता है, है ना, तो ओवरलोड होता है, तो ये तीनों, क्योंकि तीन ओवरलोड का देखिए तीन ओवरलोड है यहाँ पे, और तीनों ओवरलोड का यहाँ पे देखिए तीन कॉन्टेक्ट है, मतलब किसी भी एक ओवरलोड, किसी भी एक फेज में अगर ओवरलोड होता है, तो उसका रिस्पेक्टिव कॉन्टेक्ट यहाँ पे जो है वो एनो हो जाएगा, और ए मोटर का सर्किट को ब्रेक करेगा। क्यों, क्योंकि इधर से तो ये फेज ही है, और ए फाइनली कनेक्टेड है ग्राउंड से, मतलब फेज और ग्राउंड का कनेक्शन को ओवरलोड ब्रेक करेगा, और मोटर बंद हो जाएगा। एक कंडीशन है अगर ओवरलोड होता है तो,
दूसरा कंडीशन है कि कोई भी चल रहा हो या तो फॉरवर्ड या रिवर्स, जब आप स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे तो उसको बंद होना है। ध्यान से देखिए, अब ये क्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, स्टॉप को प्रेस करेगा बंद करने के लिए। अब देखिए रिवर्स को प्रेस करेगा तो देखिए रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है, फिर जब रिवर्स से बंद करेगा तो देखिएगा स्टॉप को प्रेस करेगा, किया बंद हुआ, फॉरवर्ड को प्रेस किया फिर चला। इसी तरीके से एक कंटिन्यूअस ऐसे चल सकता है। तो ये जो सर्किट है अभी भी ये ऑटोमेटेड नहीं है, ये सिर्फ ये बताया कि आप एक मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स चलाने के लिए आपको कॉन्टेक्टर का ज़रूरत होता है, और कॉन्टेक्टर को आप डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, लाइक फॉरवर्ड एंड रिवर्स, है ना। और इसी चीज़ को अगर आप और भी कुछ कॉन्टेक्टर का हेल्प लें तो आप इसको ऑटोमेटिकली चला सकते हैं। मतलब ये जो अल्टरेशन अभी कोई ह्यूमन बीइंग के द्वारा हो रहा है फॉरवर्ड और रिवर्स, ये ऑटोमेटिकली अपना चलता रहेगा, बट उसमें उसको चलाने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ और सपोर्टिव डिवाइसेस का जरूरत हो लेना पड़ेगा, जैसे मैं लाइक टाइमर एंड ऑल। ठीक है, तो आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर कोई क्वेश्चन हो, कमें मतलब डाउट हो मन में, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, और मतलब हम उसका रिप्लाई करने में मेरे को भी खुशी होगा, है ना। चलिए आज का क्लासेस यहीं पे ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू।